देवरिया पुलिस लाइन में शिवेंद्र कुमार मिश्रा सिविल जज सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल सिंह की अध्यक्षता में किशोर न्याय अधिनियम का पालन करने के संबंध में उपस्थित जिला प्रोबेशन अधिकारी देवरिया जिला प्रोबेशन अधिकारी महाराजगंज अधीक्षक राजकीय बालगृह अध्यक्ष सदस्य बाल कल्याण समिति सदस्य किशोर न्यायालय बोर्ड संरक्षण अधिकारी जिला बाल संरक्षण कार्यालय देवरिया द्वारा समस्त थानों से आए उप निरीक्षक एवं आरक्षी महिला आरक्षियों को औपचारिक के साथ साथ पूछताछ करने तथा आपराधिक मामलों में संलिप्तता कर उनके कस्टडी विधायक प्रावधानों के संबंध में किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत प्रावधानों को सुनिश्चित कराए जाने में विधिक कार्रवाई करने के हेतु विस्तृत जानकारी दी गई है। और ओवर क्राउडिंग को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हमारे उच्च न्यायालय ने, हमारी जेजेसी की कमेटी ने एक निर्णय लिया कि सारे बच्चों को 8 सप्ताह के लिए उनकी बेल दे दी जाए। और उसके क्रम में आती है कि कोई आदमी ऐसा, कोई ऐसा बच्चा आपको मिल जाता है जिसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उसमें और विस्तृत कई चीजें जोड़ गई है। जैसे अभी कोई नया अध्याय हुआ है कि अगर कोरोना पीड़ित कोई फैमिली है और उसमें बाकी लोग कोरोना से संक्रमित हो गए, उनका बच्चा जो है वो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो आप अगर उसको डीपीओ साहब को बताएंगे तो एक विशेष फॉर्म भर के एप्लीकेशन पे किशोर ये जो आपकी सीधे उसी है वो इसमें वो मतलब अधिकृत की गई है कि वो जो है ये SGPU की बैठक है जो प्रत्येक महीने के द्वितीय शुक्रवार को आयोजित होती है, जो बाल संरक्षण के लिए और ख़ासतौर पे ऐसे जो कानून बालकों के लिए बनाए गए हैं उससे थाने वाइज मॉनिटरिंग के लिए यह बैठक होती है। इसमें हमारे जो भी अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे लोग उपस्थित रहते हैं। और आज क्योंकि एंटी चाइल्ड लेबर डे है, उस दिन ये द्वितीय शुक्रवार पड़ा है, तो अपने आप में एक अलग प्रेरणा का दिन भी है ये कि हम और बच्चे जो इस तरह से हमारे साथ हैं जिनको संरक्षण की आवश्यकता है उनके लिए हम और बेहतर कर सकें। और जो कानून और जो नियम बनाए गए हैं उसके अंतर्गत थाने या जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो कार्य करें, उसका भी निर्देश और व्यवस्था बताई गई है। साथ ही साथ वैश्विक महामारी कोरोना के समय जान हथेली पे रख के जो काम कर रहे हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं उनकी भी हौसला हम सब ने बढ़ाया है। और यह ज़रूर कहा है कि चीज़ों को और बेहतर करना है, जो भी इस तरह के मामले अगर उनके तरह आए वो तुरंत बाल संरक्षण अधिकारी या जो भी हमारे संबंधित अधिकारी हैं उन तक तत्काल उसको भेजना सुनिश्चित करें। आज हम लोग के साथ CWC महाराजगंज की टीम भी है जो इस पूरी कार्रवाई को हम सब के देखती है। और यह बहुत अच्छी चीज़ ये है कि सारी टीम की जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत बेहतर है, जो पिछले कई महीनों से हम लोगों ने प्रयास किया है यह प्रयास धीरे धीरे ही सही लेकिन रंग ला रही है और भी बेहतर होगी। और आज कई महीने के लॉकडाउन के वजह से ये बैठक नहीं हो पाई थी, आज एडिशनल कप्तान साहब और हमारे चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के सहयोग से यह बैठक आयोजित हुई है। और उस दिन हुई है जिस दिन हम बाल श्रम निरोध दिवस भी मना रहे हैं, हम बाल श्रमिकों के लिए भी काम कर रहे हैं, तो बालकों के लिए ख़ासतौर पर वो हमारे ऐसे पार्ट हैं जीवन के जो बहुत अभिन्न अंग हैं, बहुत एक उनके लिए लगाव की आवश्यकता, अपनापन की आवश्यकता है, इसलिए हम सब मिलकर उनके लिए काम कर रहे हैं। निर्देश भी ये दिया गया है कि जो भी अभी तक यहाँ से रिपोर्ट्स या जो भी चीज़ें जहाँ दिक्कतें आती हैं थाने वाइज वो रिपोर्ट आएँ, और आगे से इसको अगले बैठक में हम लोग इसको चेकआउट भी करेंगे कि कहाँ से दिक्कतें आ रही हैं। आज हम लोग साथ महाराजगंज से DPO साहब, उनकी पूरी टीम, CWC के समस्त मेंबर, उसके अध्यक्ष और भी सारी टीम यहाँ पर थी, जो हमारी हेल्पलाइन है चाइल्ड हेल्पलाइन उसकी टीम थी, और समस्त 19 जो थाने हैं जनपद के उसके समस्त थाने के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के जो हमारे बाल कल्याण के जो प्रतिनिधि नियुक्त हैं थाने वाइज इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर्स वो मौजूद थे। तो यह एक कोऑर्डिनेशन बैठक सफल रूप से संपन्न हुई है निर्देश के साथ कि बालकों के लिए, बालकों के संरक्षण के लिए और भी जो बाल विरुद्ध अपराध ये जो बालक है उनके कार्य के लिए और उनका जो भी चीज़ें हैं उसको जो मानक बनाए गए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत उसका व्यवस्था किया जाए, क्योंकि एक जो प्रोविजन एक्ट 1986 भी है, बाल श्रम अधिनियम 1986 प्रोविजन एक्ट, उसके भी कुछ अवधारणाएँ हैं जो कि श्रम से संबंधित हैं, उसको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी विभिन्न स्थानों पर पहुँच के बच्चों को देखे कि इस तरह के जो भी श्रम से बच्चे जिनको श्रम में लगाया गया 14 वर्ष से कम अगर हैं और माइंस अगर है तो 18 वर्ष से कम है,
उसका मानक तय है वो एक्ट में, उसका देखें और स्वरूप जो भी इस तरह का रहे, अगर कोई भी ऐसा विधि विरुद्ध कार्य करते हुए मिला है या इस तरह की जो भी इसमें संलग्न है उसके विरुद्ध न सिर्फ कार्रवाई करें बल्कि समाज में एक अच्छा संदेश यह देने की कोशिश करें कि जो भी बालक हैं उनकी व्यवस्था को हम सब मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।